गाइस अगर आप मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो टॉप 5 मोबाइल्स अंडर 15,000 रुपीज़, और इसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ ऑनरेबल मेंशन भी करूंगा, लाइक 15,000-16,000 रुपीज़ स्पेंड करेंगे तो इन सबसे बेटर ऑप्शन वो भी रहेगा उसमें। तो ऐसे में सबसे पहला मोबाइल लिस्ट पर आता है Vivo Z1 Pro। तो Vivo Z1 Pro इसलिए क्योंकि देखिए इसका दाम तो बहुत ही कम हो चुका है, एंड यहाँ पर आपको Snapdragon 712 AIE का प्रोसेसर मिलता है। आई थिंक इस इन सारे कैटेगरी में लाइक 15,000 रुपीज़ में दी बेस्ट है Snapdragon 712 AIE इसका परफॉर्मेंस, एंड उसके साथ आपको 4GB 64GB वेरियंट 12,990 रुपीज़ में मिल रहा है। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का f/1.78 अपर्चर है, तो सबसे बेस्ट आपको लो लाइट कंडीशन में भी पिक्चर्स मिलनी चाहिए Vivo Z1 Pro से। हालांकि बहुत पॉपुलर भी हुआ है Vivo Z1 Pro, तो ऐसे में सबसे पहले लिस्ट पर आता है। इसमें आपको 18 वाट्स का फास्ट चार्जिंग भी मिल रहा है विच इज़ रियली नाइस। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, एंड इसका स्क्रीन साइज जो है वो 6.53 इंच, बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है। तो इन सारे चीज़ को अगर कंसिडर करेंगे तो इन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5000 mAh का बैटरी है, एंड फास्ट चार्जिंग भी है, रिवर्सेबल आपको चार्जिंग सपोर्ट भी करता है वाया OTG। तो सारे फीचर्स इन्होंने कवर कर दिया है, वो आपको अभी मिल रहा है 12,990। तो जल्दी से आप फटाफट अगर मोबाइल लेना चाहते हैं टॉप मोबाइल इन सारे लिस्ट में तो ये वाला है। एंड यहाँ पर इसमें एक खासियत और है कि वाइड वाइन L1 सपोर्ट हो। तो आजकल स्पेशली क्रोम ब्राउज़र पर अगर आप अमेज़न का प्राइम वीडियो देखना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स का HD कंटेंट देखना चाहते हैं, तो डिजिटल राइट मैनेजमेंट जो प्रोटेक्शन रहता है वो लेवल सपोर्ट करना चाहिए मोबाइल, अदरवाइज दूसरे कई मोबाइल्स में प्ले नहीं होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर Vivo Z1 Pro वो ऑफर करता है। तो इन सारे फीचर्स को देखने के बाद आई थिंक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अभी के अभी 12,990 रुपीस में, एंड इसके साथ कुछ कार्ड्स के रिलेटेड ऑफर्स भी मिल रहा है फ्लिपकार्ट में, तो आई थिंक बेस्ट बाय है। लेटेस्ट अपडेटेड प्राइसिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप प्राइसिंग को देख कर ले सकते हैं। लिस्ट पर सेकंड आता है रेडमी नोट 8 प्रो। तो द लेटेस्ट वन विद 64 मेगापिक्सल कैमरा, एंड ये वाला चीज़ एक्चुअली फ्लैश सेल में चल रहा है, मैं भी आज ही ऑर्डर किया हूँ। तो 14,999 रुपीज़ है, 6GB 64GB वेरियंट है इसका, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, अल्ट्रा वाइड कैमरा है, मैक्रो है, पोर्ट्रेट के लिए एक अलग डेप्थ सेंसर वाला कैमरा है। तो मीडियाटेक हीलियो G90 चिपसेट, यहाँ पर 18 वाट्स फास्ट चार्जिंग भी है, 6.53 इंच HDR डिस्प्ले मिलता है आपको स्क्रीन, एंड 20 मेगापिक्सल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेल्फी कैमरा है। यहाँ पर सारे के मोबाइल्स जो भी लिस्ट में है ट्रिपल स्लॉट है, मतलब कि दो ड्यूअल सिम डाल सकते हैं, एंड विद दैट माइक्रो SD कार्ड के लिए सेपरेट अलग स्लॉट होगा। तो 4500 mAh का बैटरी है Redmi Note 8 Pro, दी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, अंडर 15,000 रुपीस आप बाय कर सकते हैं। लिस्ट पर अगला मोबाइल है Realme 5 Pro। तो Realme 5 Pro 14,000 रुपीज़ में 4GB 64GB वेरिएंट, अगर आप 6GB रैम वाला चाहते हैं, थोड़ा फास्ट मल्टीटास्किंग के लिए अगर चाहते हैं, तो 14,999 मतलब कि 15,000 में आपको मिलता है Realme 5 Pro, अगेन हिट मोबाइल। तो इसमें 6.3 इंच का डिस्प्ले है, Snapdragon 712 लेटेस्ट प्रोसेसर अगेन, सेल्फी के लिए आपको 16 मेगापिक्सल एट f/2.0, एंड प्राइमरी कैमरा जो है f/1.79 अपर्चर वाला, यहाँ पर भी 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल मैक्रो एज वेल एज 2 मेगापिक्सल फॉर डेप्थ सेंसर। तो 4,035 mAh का बैटरी भी है। Realme 5 Pro का मैं रिव्यू बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो रिव्यू में मैं कहा था कि बहुत ही बढ़िया मोबाइल है गेमिंग के लिए हो या मल्टीटास्किंग के लिए, तो इन सारे चीज़ को देखेंगे तो Realme 5 Pro एक बेस्ट बाय भी है अंडर 15,000। जस्ट क्या है कि इसका सर्विस जो है वो थोड़ा आप स्केप्टिकल हो सकते हैं, अगर आप ऐसे में देख रहे हैं तो ऑब्वियसली Redmi Note 8 Pro बाय कर सकते हैं या फिर Vivo Z1 Pro। एंड लिस्ट पर फोर्थ वन आता है Samsung की तरफ से M30s, जो लेटेस्ट मोबाइल है वो भी बहुत ही बढ़िया लॉन्च किया है, 14,000 रुपीज़, 13,999 को 4GB 64GB वेरियंट मिलता है, 48 मेगापिक्सल का f/2.0 अपर्चर का है मेन कैमरा, एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, सेल्फी के लिए 16 f/2.0। तो यहाँ पर जो इसका हाईलाइट फीचर है 6,000 mAh का बैटरी, इसीलिए मॉन्स्टर सीरीज कहा जाता है M सीरीज को। तो 6,000 mAh बैटरी, सुपर स्टेडी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है, मतलब 4K अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो स्टेडी आपको डिजिटल स्टेबलाइजेशन मिलता है। यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि 15 वैट्स का चार्जिंग है, दूसरे सारे मोबाइल्स लाइक 18 वैट्स चार्जिंग एंड फ्लैश चार्ज, वो फ्लैश चार्ज सपोर्ट करता है Realme 5 Pro, बहुत ही फास्टेस्ट चार्ज मैं कहूँगा Realme की तरफ से। तो ऐसे में Samsung ऑफर कर रहा है सिर्फ 15 वाट्स का चार्जिंग, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, खैर कोई बात नहीं। सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलता है 6.4 इंच का, तो ये सारा चीज़ आपको 14,000 रुपीस में मिल रहा है। तो अगर आप Samsung ब्रांड की तरफ देख रहे हैं तो M30s डेफिनेटली गुड बाय।
लिस्ट पर अगला आता है Redmi Note 7 Pro, ऑलरेडी पॉपुलर मॉडल, 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, f1.7 अपर्चर, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए है ही, तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलता है आपको, 6.3 इंच का स्क्रीन है, क्विक चार्ज सपोर्ट है, स्नैपड्रैगन 675, स्टिल ए गुड प्रोसेसर। तो एक बचत की प्राइस में अगर आप देख रहे हैं तो लाइक 12,000 रुपीज़ में आपको Redmi Note 7 Pro मिल रहा है, तो इट्स अगेन ए गुड बाय। ऑलराइट गाइस, तो 5 मोबाइल्स मैंने बताया, यहाँ पर मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस दूंगा। Realme XT का भी है, बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग में चल रहा है, वो भी देख सकते हैं Realme ब्रांड की तरफ से। अगर वो नहीं देखना चाहते हैं तो आपको मिलता है Vivo Z1X, अगेन Vivo की तरफ से सबसे बेस्ट मोबाइल, क्योंकि यहाँ पर 22.5 वाट्स का फ्लैश चार्ज मिलता है Vivo की तरफ से, बहुत ही फास्ट चार्जिंग है, एंड उसके साथ सुपर एमोलेड स्क्रीन भी है 6.38 इंच का, उसके साथ स्नैपड्रैगन 712 AI लेटेस्ट प्रोसेसर भी है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, एंड सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल तो है ही। तो 6GB 64GB वेरियंट आपको मिल रहा है 16,990, मतलब कि 15,000 का अगर देख रहे हैं तो 2,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपको, लेकिन आई थिंक इट्स टोटली वर्थ द मनी। फास्ट चार्जिंग है, सुपर एमोलेड स्क्रीन है, एंड जो सारे अलग फीचर्स जो Vivo Z1 Pro ऑफर करता था, ये सारे फीचर्स यहाँ पर भी उपलब्ध है। तो नेक्स्ट वन लिस्ट पर आता है Poco F1, Snapdragon 845 का अभी भी बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, तो ऐसे में Poco F1 मेंशन करना ही पड़ता है। तो ये भी आई थिंक अराउंड 16-17,000 रुपीज़ में मिल रहा है आपको, 6GB 128GB वेरियंट वाला। तो यहाँ पर आपको रैम भी बढ़िया है, स्टोरेज भी बढ़िया है, एंड उसके साथ जो कैमरा ऑफर करता है Poco, एंड इवन द होम स्क्रीन, लाइक उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है Poco का, तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बाय लाइक 16-17,000 रुपीज़ में। तो अगर Poco F1 बहुत ही पुराना लग रहा है आपको, तो यहाँ पर Oppo K3 है लेटेस्ट लॉन्च, ये भी सुपर एमोलेड स्क्रीन है, 6.5 इंच का ह्यूज डिस्प्ले सुपर एमोलेड का है, 710 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी है, वो फ्लैश चार्ज है, बहुत ही फास्ट चार्जिंग। थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा बैटरी में, क्योंकि सुपर एमोलेड स्क्रीन है, 3765 mAh का बैटरी है, तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, अगर ये छोड़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया ये भी मोबाइल डिवाइस है। लिस्ट पर आखिरी ऑनरेबल मेंशन है सैमसंग का A50, तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, कुछ दिन भी हुआ है, 4GB 64GB वेरिएंट, 25 मेगापिक्सल का जो कैमरा है बहुत ही बढ़िया है एट f1.7 अपर्चर, प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है ही। तो ये थे मोबाइल टॉप 5 लिस्ट मैंने बताया है, तो इन सब में अगर एक मुझे खरीदना हो तो आई विल गो फॉर Redmi Note 8 Pro। अगर फ्लैश सेल में आपको नहीं मिल रहा है तो यू कैन बाय सैमसंग का M30s, अगर सैमसंग का M30s भी आपको पसंद नहीं तो डेफिनेटली Vivo Z1 Pro इज द वन टू पिक फॉर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इफ यस हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आप कौन सा मोबाइल लेने की सोच रहे हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और इसका लेटेस्ट अपडेटेड प्राइसिंग मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो या गाइस, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।